नमस्कार दोस्तों। तो ए वी एडिटोरियल हमारा RECP से संबंधित है। तो आपको बता दें, अब RECP में 15 देश बचे हैं, रह गए जो हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, साउथ कोरिया। ठीक है, आपको बता दें, एक थ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या मुक्त व्यापार संगठन। चलिए अब इस एडिटोरियल की बात कर लेते हैं, वो देख लेते हैं। भारत सरकार ने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। इससे गंभीर आर्थिक राजनीतिक परिणाम है। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी RCEP समझौता ऐसा प्रस्तावित व्यापार समझौता है जिसके लिए आसियान के 10 देशों के अलावा 6 अन्य देश, जिसमें चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बीच साल 2013 से बातचीत चल रही थी। मोटे तौर पर RCEP का उद्देश्य एक एकीकृत बाजार बनाने का था, यानी RCEP के तमाम सदस्य देशों को एक दूसरे के बाजार में जाने में आसानी सुनिश्चित की जा सके। भारत के अलावा RCEP में 15 दूसरे देश हैं। जाहिर है कि अब समझौते में 15 देश रहेंगे, भारत नहीं रहेगा। यूं भारत के समझौते में ना रहने से इस समझौते के आर्थिक राजनीतिक महत्व में कमी आएगी। फिर भी समझौते का अपना अलग महत्व है। भारत RCEP में शामिल हो जाता तो फिर समग्र तौर पर RCEP देशों का बाजार इतना बड़ा हो जाता कि दुनिया की लगभग आधी आबादी इन देशों की निवासी होती और ग्लोबल सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान एक तिहाई होता। भारत के पास बहुत बड़ा बाजार है। आबादी के मामले में दुनिया का दूसरे नंबर का मुल्क होने के फायदे भी हैं भारत के। आबादी का मतलब बाजार, जिसमें घुसने के लिए कई देश, कई कंपनियां उत्सुक होंगी। भारत की सेवा क्षेत्र में भी महारत है, यानी भारत सेवा क्षेत्र में कई देशों से जाकर निवेश कर सकता है, वहां मुनाफा कर सकती है भारतीय कंपनियां। भारत की समस्या है कि उसके पास मजबूत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या निर्माण सेक्टर ऐसा नहीं है कि जो सस्ते रेट पर बढ़िया आइटम तैयार कर सके। कुल मिलाकर स्थिति ऐसी है कि भारत जिन क्षेत्रों में RCEP के देशों में जाकर बढ़िया कर सकता है, वहाँ से घुसने की इजाज़त नहीं है। पर भारत में घुसने की इजाज़त वो तमाम देश और कंपनियाँ चाहते हैं जो यहाँ बेपनाह सस्ते आइटम बेच सकते हैं। चीनी कंपनियाँ इस सूची में सबसे ऊपर हैं। नोट किया जा सकता है कि जबकि RCEP समझौता नहीं है, तब भी भारत में बिकने वाले 10 स्मार्टफोनों में से 7 चाइनीज ब्रांड के हैं। RCEP जब चाइनीज आइटम को घुसने की लगभग खुली छूट देगा, तब भारत में बनने वाले आइटमों की हालत क्या होगी सोचा जा सकता है। यह सच है कि अधिकांश व्यापार समझौतों से भारत लाभ नहीं उठा पाया। क्यों नहीं उठा पाया, यह अलग विश्लेषण का विषय है। आसियान देशों के साथ व्यापार घाटे के आंकड़े देखें तो साफ होता है कि ग्लोबल कारोबार के मामले में भारत फिट रहा है। 2009-10 के आसियान देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा करीब 8 अरब डॉलर का था। यह 2018-19 में बढ़कर 22 अरब डॉलर हो गया। यानी भारत आसियान देशों से लगातार ज्यादा आयात कर रहा है और निर्यात कम कर पा रहा है। RCEP में मूलतः आसियान देश ही शामिल हैं। चीन RCEP में अतिरिक्त खतरा है। अकेले चीन के साथ 50 अरब डॉलर से ज़्यादा व्यापार घाटा है हमारा, भारत का। RCEP समझौते का मतलब है कि चीन से तमाम आइटम आना बहुत सस्ता आसान हो जाएगा। चीन से आने वाले 80 से 90% आइटम सस्ते हो जाएंगे, यानी सस्ते चाइनीज आइटम घरेलू भारतीय उत्पादों को बाजार से बाहर कर देंगे। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से डेयरी उत्पाद सस्ते
आकर भारत के आइटम के लिए खतरा पैदा करते हैं। पीएम मोदी धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने देश देश के 10 करोड़ दूध कारोबारियों के हितों की रक्षा की। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बहुत सस्ते उत्पादों से भारत को पाटने क्षमता रखते हैं। अगर आरसेप समझौता हो जाता तो टेक्सटाइल, रसायन, प्लास्टिक के कारोबार के लोग भी यही चिंता है लोगों की भी यही चिंता है कि सस्ते चीनी आइटम कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को तबाह ना कर दें। चीन अपनी अपने यहाँ आसानी से विदेशी कंपनियों की इजाज़त नहीं देता। तमाम चीनी ब्रांड के फोन यहाँ बिक सकते हैं, पर भारत की टेलीकॉम कंपनियों को व्यापक और सस्ती सेवाएं बेचने की इजाज़त चीन नहीं देगा। यानी चीन एक बेहद तो मुक्त व्यापार का समर्थक है, पर एक हद के बाद वह कतई तानाशाह देश की तरह बर्ताव करता है। 2011 में पीटर नवारू और ग्रेग ओटी की एक किताब आई थी, डेथ बाय चाइना। इसमें बताया गया है कि किस तरह से चीन अमेरिकन अर्थव्यवस्था को तबाह कर रहा है। ट्रंप इस बात किताब से बहुत प्रभावित हुए। इस किताब में बताया गया था कि इन तरीकों से चीन अमेरिका को ठगने की कोशिश करता है। पहला है अवैध तरीके से दी जाने वाली निर्यात सब्सिडी, दूसरा है बहुत चतुराई से चीनी मुद्रा की धोखाधड़ी, तीसरा है अमेरिकी तकनीकी चीनियों द्वारा चोरी, अगला है पर्यावरण का भारी नुकसान, कामगारों की सेहत और सुरक्षा के साथ समझौता, गैर कानूनी तौर पर लगाया गया आयात शुल्क, बहुत कम कीमत के जरिए बाजार पर कब्जा और फिर उपभोक्ताओं का शोषण, अगला हमारा विदेशी कंपनियों को चीन से दूर रखना। डेथ वाय चाइना के लेखक का संक्षिप्त में आशय था कि चीन जानबूझकर अपनी करेंसी युआन को सस्ता रखता है ताकि उसके आइटम दूसरे देशों में सस्ते मिल पाए। आरसेप में ना जाने की मतलब यह नहीं है कि कई भारतीय कारोबारी समझ लें कि उन्हें अपने हिसाब से महंगे और घटिया आइटम बेचने का लाइसेंस हासिल हो गया। यह बात अपनी जगह सही है कि प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ता का भला होता है। बहुत लंबे अरसे से कई भारतीय कारोबार बहुत आसान माहौल में काम करने के आदी रहे हैं। याद किया जा सकता है कि एक जमाने में जब भारतीय कार बाजार प्रतिस्पर्धाहीन थी, तब अम्बेसडर और फिएट जैसे कुछ एक ब्रांड ही मिलते थे। अम्बेसडर ने तो अपने ढंग कई दशकों तक ना बदले, प्रतिस्पर्धा आई तो हाल बदले। हाल ही में प्रख्यात अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट आई इस विषय पर कि निर्यात कैसे बढ़ाएं। इसमें सुरजीत भल्ला की सिफारिशों का एक आशय यह भी है कि पहले हम अपना घर दुरुस्त करना होगा। तमाम तरह के ग्लोबल समूह बन रहे हैं जो आपस में व्यापार कर रहे हैं। हम लंबे समय तक अपने कारोबारियों को यह कहकर नहीं बचा सकते कि अभी हमारे वाले तैयार नहीं हैं। उनकी लागत महंगी है, उनकी क्वालिटी बढ़िया नहीं है। आरसेप में ना शामिल होना राष्ट्रहित का फैसला है, पर कंपनियों को बेहतर ना बनाना, उन पर बेहतर बनने का दबाव ना डालना कतई राष्ट्रहित का फैसला नहीं है। आरसेप एक दोधारी तलवार है, इसके पास जाना खतरा है, पर इसके मुकाबले के लिए लंबे वक्त तक तैयारी ना करना भी खतरनाक है। चलिए, तो ये था आरसेप से संबंधित एडिटोरियल।